देखिए, ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का, पावर शेयरिंग। हमने पिछले साल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट वन में स्टडी किया कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर की कंसंट्रेशन नहीं होती है। पावर को किसी एक व्यक्ति या गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के हाथों में नहीं दे दिया जाता, उसे डिवाइड किया जाता है ताकि वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट बनी रहे। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि डिक्टोरियल फॉर्म में ना आ सके। हम उसे ही यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रॉडली स्टडी करेंगे। पावर शेयरिंग का जो मतलब है, पावर शेयरिंग का मतलब है व्हेन पावर इज डिवाइडेड और पावर इज शेयर्ड अमंग मोर देन वन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गन और वन पीपल। देखिए, मोनार्की की हम बात अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटरशिप के अंदर सारी की सारी पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में होती है। मोनार्की के अंदर हल्का फुल्का डिवीजन भले ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ऐसे में अब हम गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट में हम देखें तो वहाँ सारी की सारी पावर एक पार्टी के हाथ में है, CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ पे। हमारा यहाँ पे मतलब है किसको बदलना। हम सऊदी अरेबिया में देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों के ऊपर रूल किसका है, वहाँ के किंग का। किंग जब चाहे इसे बदल सकते हैं। तो ऐसे में वो डिक्टोरियल फॉर्म है। हम देखेंगे कि पावर को जब डिवाइड कर दिया जाता है, जब शेयर कर दिया जाता है किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक ऑर्गन के अलावा भी, तब हमें पता चलेगा कि ये होती है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन है व्हेन पावर इज शेयर्ड और डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गन्स। हम इस चैप्टर के अंदर पावर शेयरिंग की नीड को भी समझेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, और पावर शेयरिंग की फॉर्म्स को भी स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे पावर शेयर की जाती है। पावर शेयरिंग की जो ज़रूरत है उसको समझने के लिए हमें तीन कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करना होगा, उसके बाद ही हमें वो समझ में आएगी। देखिए, जो पहली कंट्री है वो है बेल्जियम। वन मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होते हैं, हम बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बेल्जियम यूरोप के अंदर है। बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। बेल्जियम 4 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फ्रांस। इन 4 के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम के अंदर हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। बेल्जियम के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है वहां की एथनिसिटी। देखिए, बेल्जियम में दो मेन रीजंस हैं। हम देखेंगे वहां के दो रीजन हैं, एक है फ्लेमिश और एक है वेलोनिया। देखिए, फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच यानी कि यहां फ्लेमिश रीजन में बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन रहती है, वेलोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन रहती है। 59% लोग जो रह रहे हैं, ये जो 59% जो लोग यहाँ हैं वो लोग डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, यानी कि फ्लेमिश रीजन की 60 में से 59% पॉपुलेशन डच बोलती है। जो 40% हैं यहाँ पर बचे हुए वेलोनिया के अंदर, वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग। जो 1% पॉपुलेशन बच गई है दोनों रीजन्स में मिलाकर के, वो 1% पॉपुलेशन जर्मन बोलती है। अब हम इस कंट्री में ओवरऑल स्टेटस को अगर देखें तो अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग, और फिर माइनॉरिटी में है फ्रेंच और जर्मन्स। लेकिन बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में प्रॉब्लम अलग है। ब्रसेल्स में 80% पॉपुलेशन बोलती है फ्रेंच और 20% पॉपुलेशन बोलती है डच। तो डच पूरे देश में मेजॉरिटी, कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी, फ्रेंच पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी लेकिन कैपिटल में मेजॉरिटी। अब इन दोनों के बीच में टेंशंस होती हैं, और उन टेंशंस का रीजन क्या है, उन टेंशंस का रीजन है कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग हैं ये लोग पावरफुल हैं, ये लोग रिच हैं,
और डच को जो है बहुत बाद में आकर के एजुकेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए, तो डच लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग पीछे हैं, क्योंकि फ्रेंच आगे हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने सब कुछ लूट रखा है। तो इनके बीच में टेंशन शुरू होती है। और अब हम देखें तो ब्रसेल्स के लोग चाहें तो अब क्योंकि मेजॉरिटी के दम के ऊपर डच लोग इन फ्रेंच लोगों को दबा सकते हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन वहाँ के लोगों ने समझदारी दिखाई, वहाँ के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन इस तरह से किसी एक का दमन कर देना अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने 1970 से लेकर के 1993 के बीच में चार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए और एक नया मॉडल निकाला, बेल्जियन मॉडल। हम अब बेल्जियन मॉडल को समझ के देखते हैं। देखिए जो बेल्जियन मॉडल है उसके तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार प्रोविजंस किए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो सेंटर के अंदर कैबिनेट होगी उसके अंदर 50-50 होगा, यानी कि सेंटर की कैबिनेट में यदि 100 सदस्य हैं, 100 मंत्री हैं, तो 50 फ्रेंच होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग, और 50 ही डच होंगे, 50-50% उनके बीच में डिवाइड किया गया। साथ ही साथ कहा कि कुछ स्पेशल लॉज, कुछ ऐसे लॉज जो बहुत खास हों, उनमें क्या चाहिए, उनमें मेजॉरिटी किस प्रकार चाहिए। देखिए लेजिस्लेचर के अंदर हमें पता है कि यदि 100 सीटें हैं और हमें कोई चीज़ पास करवानी है तो हमारे पास 51 होनी चाहिए, 100 वोटिंग करने वाले हैं तब हमें 51 चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, इन स्पेशल लॉज के लिए स्पेशल मेजॉरिटी। और कैसी मेजॉरिटी, कि मान लीजिए 50 लोग तो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 50 लोग डच बोलने वाले हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर हम मान लेते हैं कि 50 लोग जो चुनकर आए हैं वो फ्रेंच बोलते हैं यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग है और 50 डच स्पीकिंग है, तो इन लॉज के लिए इन दोनों की सेपरेट मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 26 फ्रेंच इस पर हाँ बोलें और 26 डच इस पर हाँ बोलें, कुल मिलाकर के 52 वोट्स जब होंगे तब इनको, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए, जो बहुत क्रूशियल मैटर्स हैं उनमें दोनों को ही ऊपर रखा जाए, दोनों की ही बात को तवज्जो दी जाए। सेंटर कैबिनेट के बाद इन्होंने एक नया सिस्टम अपनाया, इन्होंने फेडरलिज्म को अपनाया। फेडरलिज्म आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है। इन्होंने क्या किया, देखिए फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे ना होगी, एक ही गवर्नमेंट नहीं है, अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाई जाएं, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट अकेली गवर्नमेंट ना हो, स्टेट की गवर्नमेंट्स बनाई जाए। तो इन्होंने फ्लेमिश और वेलोनिया दोनों रीजन्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई। सेंटर के ऊपर ये स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं होती है। फेडरलिज्म की एक खास बात होती है कि फेडरलिज्म के अंदर स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट, स्टेट इज नॉट एट द मर्सी ऑफ सेंटर, स्टेट के पास अपने अलग रिसोर्सेज होते हैं, इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, पावर्स डिवाइडेड होती हैं। फेडरलिज्म को नंबर पे इन्होंने क्या किया जी, ब्रसेल्स के लिए जो है गवर्नमेंट अलग की गई, ब्रसेल्स की गवर्नमेंट अलग की गई, और उसमें भी जो मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट होगी, उसमें 50-50% होगा। अब इन्होंने खास बात जो की वो था फोर्थ नंबर, इन्होंने कहा जी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में इन लोगों ने क्या काम किया कि आप जर्मन है, फ्रेंच स्पीकिंग है या डच स्पीकिंग है, किसी भी जगह आप रह रहे हो, आप सभी एक भाषा बोलने वाले लोग एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन यू आर लिविंग इन। अब इस गवर्नमेंट के पास पावर क्या थी, इस गवर्नमेंट के पास तीन जो इश्यूज थे उनके ऊपर पावर थी, कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इन तीन इश्यूज के ऊपर इस गवर्नमेंट के पास पावर थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी। ये बेल्जियन मॉडल है। देखिए बेल्जियन मॉडल में खास बात ये हुई कि वॉयलेंस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई वॉयलेंस नहीं हुआ, लोगों ने इस बात को समझा कि वो भी हमारी तरह ही इंसान है, और इतना शानदार मॉडल इन्होंने सामने लाया कि आप 12th में पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में,
तो यूरोपियन यूनियन 1993 में जब अपने हेडक्वार्टर सेलेक्ट किए तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियन के अंदर है, बेल्जियम के अंदर है। बेल्जियम में भी कहाँ पे? ब्रसेल्स में। आपके बुक के अंदर फोटो भी यहाँ पर दी गई है, ब्रसेल्स में इसका कैपिटल जो सिटी है वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है। अब हम दूसरी कंट्री के बारे में देखते हैं। जो सेकंड कंट्री हमारे सामने है वो है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका क्योंकि तमिलनाडु के पास ही है, कुछ किलोमीटर दूर चल के, श्रीलंका की क्या पॉपुलेशन जो है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अब श्रीलंका के अंदर हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए श्रीलंका में दो तरह के लोग हैं, यहाँ पर भी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को देखें तो एक है सिन्ला और एक है तमिल्स। अब जो सिन्ला है और ये तमिल्स हैं, सिन्ला 74% है और तमिल्स जो है वो 18% है। इस 18 में भी जो डिवीज़न है वो है 13% और 5%। ये 13% वो हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वहीं पे हैं ये श्रीलंकन तमिल्स। तमिल्स का मतलब है कि तमिल बोलने वाले। 5% हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जिनके एंसेस्टर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा, आप अपनी 10th की बुक में इसी साल आप पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स बाहर ले जाते थे, ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, उसमें पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया से वहाँ पर ले जाए गए वो लोग, उनके ये डिसेंडेंट्स हैं। सिन्ला स्पीकर 74% हैं। अब रिलीजन की बात आए तो मेनली यहाँ पर जो मेजोरिटी स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? मेनली जब आपको याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे कि श्रीलंका सिन्ला स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी, फिर थोड़े दिन बाद सिन्ला आर इन मेजोरिटी, फिर आपको सिर्फ सिन्ला याद रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। क्वेश्चन आएगा विच रिलीजन इज इन मेजोरिटी, वहां कौन सा रिलीजन मेजोरिटी में है? तो बुद्धिस्ट रिलीजन जो है, बुद्धिज्म जो है वो मेजोरिटी में है, आप भूल जाएंगे और आप इस क्वेश्चन में सिन्ला टिक कर देंगे, फिर आपका एक नंबर कट जाएगा। अब तमिल स्पीकर्स की बात की जाए तो मेनली तमिल्स जो है वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी, ठीक है। इस पॉपुलेशन के अंदर 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो तमिल भी बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिन्हला भी बोलते हैं। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? जब 1948 के अंदर ये इंडिपेंडेंट हुए, 1948 के अंदर जब ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट हुए तो इन लोगों ने, ये जो सिन्हला स्पीकर थे, इन्होंने सोचा कि यार ये तमिल्स तो ऐसे ही हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये देश तो हमारा है। तो इन्होंने कहा कि मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, देखिए मेजोरिटेरियनिज्म 1 मार्क्स में आ सकता है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी है उसको आप रूल करने की पावर दीजिए, वो कैसे ही रूल करे, रिगार्डलेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी जाए भाड़ में, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। अब इन सिन्ला लोगों ने काम करना शुरू किया और बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर ये लेकर के गए। इन्होंने क्या काम किया साहब, 1956 के अंदर फर्स्ट, ये रीजंस ऑफ टेंशन में आएगा, रीजंस ऑफ टेंशन 1956 के अंदर इन्होंने द सिन्ला ओनली एक्ट, द सिन्ला ओनली एक्ट इन्होंने पास किया और इन्होंने कहा कि केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्ला, सिर्फ ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट की। इन्होंने सिन्ला लोगों को ही प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर सिन्ला लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और तमिल्स वेट में है, बाहर खड़े हैं कि हमारा नंबर आएगा, तमिल्स का नंबर नहीं आ रहा। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन्होंने अडॉप्ट की। अब तमिल्स के अंदर एक एलियनेशन की फीलिंग है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलियनेशन, फीलिंग ऑफ एलियनेशन, कि यार हम तो इनसे है ही नहीं, मतलब हम तो अलग हैं, ये तो हमें अपना समझ ही नहीं रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, सभी के सभी सिन्ला के साथ हैं। फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इन्होंने कहा कि स्टेट शैल नाउ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। एक तरीके से इन्होंने बुद्धिज्म को जो है मेन रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। अब तमिल्स को दिक्कत हो रही है कि यार हमारी मांगों को भी तो कोई पूरा करे,
हमें बिल्कुल एकदम साइड में कर दिया है, आपने मार्जिनलाइज्ड कर दिया है तमिल्स को। अब तमिल्स इस बात से बहुत परेशान है कि यार क्या करें इन लोगों का। तो तमिल्स ने डिमांड की, इन सब प्रॉब्लम्स के चलते अब तमिल्स डिमांड कर रहे हैं। और उनकी डिमांड्स क्या है जी, तमिल्स कहते हैं कि नंबर फर्स्ट कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, हमारी लैंग्वेज को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। फिर इन्होंने कहा जी रीजनल ऑटोनमी हो, यानी कि जो तमिल्स हैं एक्चुअली में तमिल्स श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, मेजॉरिटी के अंदर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे हैं ये। तो रीजनल ऑटोनमी की मांग की कि भाई हमें कुछ पावर्स हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आप हैंड ओवर कीजिए, आप एक ही गवर्नमेंट चलाए जा रहे हैं। फिर इन्होंने क्या काम किया कि सरकार ने कहा कि भागो यहाँ से, इनको मारा पीटा और अब दिक्कत आ रही है। अब इन लोगों ने आंखें दिखाना शुरू किया, इन्होंने बहुत सारी पार्टीज़ बनाई, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर इन्होंने सबसे बड़ा गेम किया लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अब इन्होंने डिमांड बदल दी, इन्होंने कहा ऑटोनमी नहीं चाहिए, अब एक सेपरेट कंट्री चाहिए और उसका नाम होगा तमिल एलम, यानी कि अ सेपरेट कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय तमिल एलम, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स, वेयर द क्वेश्चन विल बी फॉर्म फ्रॉम हियर, कि कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर इन्होंने डिमांड शुरू की। और लिट्टे अब चुन चुन के श्रीलंकन फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि आपने बहुत दबाया हमें, अब जब मौका मिलेगा मारेंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया है कि सिल्ला यानी कि जो गवर्नमेंट की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जा रही हैं, ये बीच में से निकलते हैं, उनको दबोचते हैं, मार डालते हैं। अब तमिल लोगों के ऐसे रवैये को देखते हुए सिचुएशन बदल के हो गई जी सिविल वॉर। सिविल वॉर जब किसी एक ही देश के लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी डिफरेंसेस के चलते कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए वो, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाए, वॉयलेंस, जहां वॉयलेंस होनी शुरू हो जाती है वहां गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। श्रीलंका के अंदर आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है। इंडिया ने 1986 के अंदर IPKF भेजी वहां, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो गई तो थी कि श्रीलंकन फोर्सेज और लिट्टे के बीच में एक समन्वय किया जाए, एक अकॉर्ड किया जाए और मना लिया जाए इन्हें, लेकिन इन लोगों के साथ लड़ाई हो गई गलती से ना चाहते हुए। फिर तमिल्स ने कहा, वहां के रहने वाले लोगों ने कहा कि ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, इंडियन फोर्सेस क्या कर रही है यहाँ। अब इंडिया को समझ में आया कि यार हम बेवकूफ़ हैं, हम मरवा रहे हैं अपने लोगों को यहाँ पे, इनसे इनको बचाने के लिए, इनको हमारी कदर नहीं है। तो 1988 के अंदर IPKF वापस आ गई, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इनके बीच में लड़ाई चलती रही। फिर 1991 के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, उसमें लिट्टे के तार जुड़े हुए थे। तो इंडिया ने फिर अपने आप को तो बाहर रखा, लेकिन श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स देखिए कितना इन लोगों ने अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड किया। सिंपल सा डिवीजन अगर ये कर लेते पावर के बीच में तो क्या सिविल वॉर होती? श्रीलंका इस रीजन में, साउथ एशिया के अंदर आप श्रीलंका को पढ़ते हैं, साउथ एशिया में श्रीलंका पहली कंट्री जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। श्रीलंका ने पॉपुलेशन कंट्रोल की, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडिया से आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की रैंक 76, इंडिया की रैंक 135, इंडिया की रैंक है, श्रीलंका की रैंक है 76, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप देखिए ना श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखिए, इस सब के चलते चलते श्रीलंका ने इतना अचीव किया। अगर यहाँ पर पावर को डिवाइड कर दिया जाता, यदि ऑटोनॉमी इनको दे दी जाती, या इस तरह से ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता, मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होता, तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स आती? क्या ये डेवलपमेंट को और ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाते? अब 2009 में हालांकि लिट्टे जो है वो कम्प्लीटली इसको हरा दिया गया और अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। अब जो थ्री है वो है लेबनान। लेबनान के अंदर 1975 से 13 अक्टूबर 1990 तक एक सिविल वॉर हुई। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों थे इसमें। इनिशियली क्रिश्चियंस का एक सेक्ट, क्रिश्चियंस में भी दो सेक्ट हैं एक्चुअली, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, ऑर्थोडॉक्स भी हैं। तो कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं उनका एक सेक्ट है मैरोनाइट, उसका इन्फ्लुएंस रहा गवर्नमेंट पे, काफ़ी रिच हैं, पावरफुल हैं, पार्लियामेंट ने भी क्रिश्चियंस को फेवर कर रखा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 48 में इसराइल बना और 67 तक इसराइल से जब वो पैलेस्टाइनियन वहाँ से निकल के लेबनान में शिफ्ट हुए
तो अब वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुस्लिम्स मेजोरिटी में आ गए। तो ऐसे में ये सिविल वॉर धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन सिविल वॉर के ख़त्म होने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा, चार पोस्ट के बारे में पढ़ना है, चारों कन्फ्यूजिंग है, वन मार्क्स में भी आ सकता है और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि लेबनान में अरेंजमेंट्स क्या की गई। देखिए लेबनान ने जैसे ये ख़त्म हुआ तो वहाँ क्रिश्चियंस भी थे और वहाँ क्रिश्चियंस कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, मुस्लिम्स, शिया, सुन्नी, इन्होंने क्या कहा कि जी चार मेन पोस्ट हैं। आप डायग्राम बना लें, प्रेसिडेंट, फिर जी प्राइम मिनिस्टर, फिर जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फिर जी स्पीकर, हाउस का स्पीकर। इन्होंने कहा क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियंस शुरू से ही मैरोनाइट सेक्ट पावरफुल था, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियंस, कौन से क्रिश्चियंस, कैथोलिक क्रिश्चियंस का मैरोनाइट सेक्ट प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट हमेशा इसी सेक्ट से होगा। प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम हुम, सुन्नी मुस्लिम्स। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, स्पीकर शिया मुस्लिम्स। ये अरेंजमेंट इन्होंने की, पावर शेयर की। अब ये पावर शेयर होने के बाद क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स उस समय सेम पॉपुलेशन में थे, आज मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी वो इस प्रोटोकॉल को मानते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा कि जी मुस्लिम्स जो हैं वो सीरिया के साथ यूनिफिकेशन की डिमांड नहीं मांगेंगे और क्रिश्चियंस जो हैं वो फ्रेंच से अपनी प्रोटेक्शन नहीं मानेंगे, अब हम अपना यहीं पे काम चला लेंगे कंट्री के अंदर। ऐसे ऐसे हमने पावर डिवाइड की और कंट्री का वो जो ब्लड शेड था, वो जो वॉयलेंस था, वो ख़त्म हो गया, अब पीस मेंटेन हो गया कंट्री के अंदर। तो पावर का डिविजन ये भी है। अब हमें समझ में आया कि नीड फॉर पावर शेयरिंग क्यों है। सबसे पहला रीज़न जो है वो है वॉयलेंस, यानी कि वाई पावर शेयरिंग, वॉयलेंस। देखिए जब किसी भी जगह पर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो वहाँ ऐसा बिल्कुल नेचुरल है कि डिफरेंसेस हैं। आपको कोई पसंद है, सामने वाले को कोई और पसंद है, तो वॉयलेंस कैसे होगा, आपके डिफरेंसेस होंगे और फिर वो डिफरेंस धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होते हैं कि आप उससे बात करना बंद कर देंगे, उससे मिलना जुलना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि आपने मारकाट शुरू कर दी तो वॉयलेंस होने के जो चांसेस हैं, मान लीजिए किसी एक के पास, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर देखा मेजोरिटेरियन रूल, जब मेजोरिटी किसी माइनॉरिटी को दबाती है तो वायलेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग तरह के, मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को जब दबाया तो माइनॉरिटी उसके कारण इंस्टिगेट हो गई कि यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें कोई समझता ही नहीं है, और तमिल्स ने हथियार उठा लिए कि अब कोई रीजनल ऑटोनॉमी नहीं, सेपरेट कंट्री तमिल एलम चाहिए और हम उसके लिए लड़ेंगे। तो ऐसे में हमें ये देखना है इन दोनों में कि ये मेंटेन रहे, यानी कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन ना कर सके। तो ऐसे स्थिति में हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं वॉयलेंस के अंदर बदलने से। तो सबसे पहला है कि वॉयलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी और आप अपना डेवलपमेंट के ऊपर चलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और बात कि जो डेमोक्रेसी के लिए भी तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी, ये रीजंस प्रूडेंशियल रीजंस कहलाएंगे, प्रूडेंशियल यानी कि ये केयरफुल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होंगी। हाँ यार कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर डिफरेंसेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में बदलते हैं तो पावर को शेयर किया जाए, एक अरेंजमेंट बनाई जाए ताकि वॉयलेंस ना हो। वॉयलेंस हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और उससे देश के हालात खराब होते चले जाएंगे, इकोनॉमी भी उससे हार्म होगी। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर दे, मेजॉरिटी अपनी मर्जी से काम कर ले, ये थोड़े दिन के लिए तो ठीक है। श्रीलंका में आपने देखा 56 से लेके उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक किया, लेकिन एट लास्ट माइनॉरिटी कब तक सहेगी, जब उनकी एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आपके खिलाफ हथियार उठा लेंगे और सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है, डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए है, ये मॉरल रीज़न है।
कैसे हम वो देखेंगे? देखिए डेमोक्रेसी के अंदर आपने देखा कि डेमोक्रेसी में तो रूल बाय द पीपल है, प्लस में अब डेमोक्रेसी के लिए कैसे है? देखिए डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, और डेमोक्रेसी के अंदर आपको ये पता है कि वो सभी लोग जो किसी एक डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं उससे डिस्कशन किया जाता है, उनसे डेलिब्रेशन की जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है, डायरेक्टली ली जाए इनडायरेक्टली ली जाए, तो डेमोक्रेसी की नेसेसरी कंडीशन है कि पावर को शेयर किया जाए। ये दो रीजंस हमें लिखने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आएगा, ये डेफिनेट आएगा, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, व्हाट इज द नीड फॉर पावर शेयरिंग। अब हम इसकी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो पहली है वो है जी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में हमने देखा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर अब इन तीनों के बीच में शेयर होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को अलग अलग पावर। देखिए इसको जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों है? क्यों आप ये देखिए ना, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, आपने एक ही लेवल के ऊपर 3 लोगों को यानी कि 3 ऑर्गन्स को रखा है, लेकिन तीनों की जो पावर्स हैं, तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अलग अलग हैं, प्लस में एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है, यानी कि कोई भी अनलिमिटेड पावर जो है उसका एक्सरसाइज ना कर पाए, अनलिमिटेड पावर ना हो किसी के पास। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, कैसे है हम देखेंगे अब। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और लॉज को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है कि यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इन दोनों के बीच में तो उसको सॉर्ट आउट करना। साथ ही साथ जुडिशरी यहां चेक, देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेटेड भी कैसे हैं एक दूसरे साथ। यहां एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट करता है जुडिशरी को, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, वो बात अलग है कि सजेशन उसको सीजीआई के द्वारा दिया जाता है जो खुद जुडिशरी के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जो है जवाबदेही इनकी है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल किसका है? जुडिशरी का, कि आप कोई भी लॉ जो है अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी के पास अपने पिछले साल पढ़ा जुडिशियल रिव्यू है, किसी भी लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन यानी कि किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकता है, एंड इफ जुडिशरी फाउंड्स दैट पर्टिकुलर लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, इलीगल डिक्लेयर कर देगी, बंद करो इसको। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, एक दूसरे के ऊपर चेक है। एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता, यहाँ लेजिस्लेचर की उसको वो चाहिए, इसके प्रति अकाउंटेबल है, कोई भी बिल ऐसे ही पास नहीं हो सकता, यहाँ उसको पास करवाना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम ये लोग कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो सेकंड है वो है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है कि एक गवर्नमेंट सेंटर के लिए यानी कि पूरे देश के लिए, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि पावर इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर भी बोला जाता है, क्योंकि सेंटर के पास ताकत ज़्यादा है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया के केस में भी हम देखें तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, फिर स्टेट्स के अंदर और इंडिया के अंदर इसको थर्ड लेवल तक भी ले जाया गया है, जिसको लोकल लेवल गवर्नमेंट्स भी बोला जाता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसमें एक सेंटर के लिए होती है, एक ओवरऑल कंट्री की फंक्शनिंग को देखती है, ये स्टेट के डे टू डे अफेयर्स को देखती है, हालांकि ये इसकी मर्सी पे नहीं है, स्टेट इज नॉट एट द मर्सी ऑफ सेंटर, इसके खुद के अलग अलग अधिकार हैं। और कई जगह पर हमें लोकल लेवल भी देखने को मिला, यहाँ हमने देखा था जो बेल्जियम का एग्जांपल था, बेल्जियम में भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई और उनकी पावर्स को अलग कर दिया था।
अब थर्ड पे आते हैं, जो तीसरा है वो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स, देखिए आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। अब वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कम्युनिटी गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत बार ऐसे सोशल ग्रुप्स जो वीकर हैं, जो वीकर सेक्शंस में काउंट होते हैं, उनको एक फेयर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करके और उन्हें जो है जगह दी जाती है। जैसे हमने देखा रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो कि SC के लिए 84 और ST के लिए 47 है लोकसभा के अंदर, वो इसीलिए है टू गिव अ फेयर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू दीज सोशल ग्रुप्स। जो फोर्थ है, जो लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वो है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का तो आपकी पोल साइंस के अंदर इसी बुक में एक चैप्टर भी है, प्रेशर ग्रुप्स, इसका भी एक चैप्टर है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा एंड अदर्स, यानी कि और लोगों के बीच में भी पावर शेयर होती है। कैसे? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, आप डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति पावर पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। मेनली ये कंटेस्ट जो है, ये कंपटीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। आपने देखा ए पार्टी, उसको अपोज करने वाली बी पार्टी, सी पार्टी, ऐसे कर करके। लेकिन काफ़ी बार क्या है कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से पावर शेयर कर रही हैं, पहले ए पार्टी पावर में थी, इलेक्शन हुए, इसकी पॉलिसीज़ को सरकार, जनता ने पसंद नहीं किया, बी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, अब उसके पास पावर है। कभी कभी एक पार्टी के पास पावर ना हो तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट में यानी कि ए पार्टी, यानी कि किसी एक पार्टी की सिंगल मेजोरिटी ना हो, तब एक से ज़्यादा पार्टीज जो मिलकर के बनाती हैं उसको बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप्स भी सरकार के ऊपर कहते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए। आप लोकल बिजनेसमैन हैं या पावरफुल, आप देखें बहुत बार एलिगेशन लगते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ अंबानी एंड अडानी। तो पावरफुल बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली पावर शेयर नहीं कर रहे लेकिन अपने फेवर के अंदर पॉलिसीज बनवाने के लिए वो करते हैं। तो ऐसे हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, हमने नीड को भी देखा और हमने फॉर्म्स को भी देखा, और इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फेडरलिज्म के अंदर। थैंक्स।